राजपूत। बहुत सही नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ा यहाँ आसपास कोई जिला बताओ। औरैया। औरैया, औरैया ये कानपुर के पास में पड़ता है, है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश। आपने ये कैटलिस्ट कौन से जानवर को खिलाया था? भैंस को। भैंस को कितने दिन से खिला रहे हैं? लमसम में एक महीना हो। एक महीने कितना कितना दे रहे हैं आप? सर 4 ग्राम सिर्फ दे रहे हैं। 4 ग्राम केवल एक बार? एक बार। अच्छा, इसका डोज वैसे 4-4 2 बार है। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ वैसे आपको एक महीने डेढ़ महीने में? इससे एक तो दूध में कोई गिरावट नहीं हुई, दूध में न एक बड़ा है परिवर्तन हुआ और भैंस पे रौनक है। दूसरी बात, भैंस चारा खा रही है। अच्छा, चारा पहले नहीं खाती थी? इतना नहीं खाती। अच्छा, दूध में क्या सुधार हुआ है? दूध में लमसम 1.25 लीटर दूध बढ़ा। अच्छा, दूध जैसे पहले फैट वगैरह बढ़ा हुआ है कि नहीं पहले से? है सर, मेरी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो शाम को पानी पी लेती है, चिल्ला पे ले जाती। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये आपको इससे फायदा मिला? बाकी उसके गोबर में मूत्र में क्या फायदा हुआ? कुछ उसमें भी कुछ चेंज आया पहले से? पहले कुछ गीला करती थी। बहुत अच्छा, अब बढ़िया है। अब आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ जी। अभी और भी जानवरों को इसको खिलाएंगे कि नहीं? अब पहले मैंने एक से देखा था, इसीलिए तो आपकी मीटिंग में मैं आया। अच्छा अच्छा, और लोगों को पूरे गांव में किसी को बताया इसके बारे में? बताया लेकिन लोग जो कहते इतना महंगा है। अच्छा, महंगा है। अरे 50,000 की भैंस है तो उससे तो सस्ती है ना। तो अच्छा, और किसी को बताया? और कोई नहीं खिलाया, अभी आप केवल खिला रहे हो? आप इससे पूरा संतुष्ट हो? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो फिर जय धनवंतरी। जय धनवंतरी।